गर्मी से फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। बीते दिन भी तापमान 40 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 3 राज्यों में लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में से कुछ में अगले कुछ दिनों तक बारिश हो सकती है। IMD ने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य आज लू की स्थिति से जूझ रहे हैं। राजस्थान में 9 मई तक और मध्य प्रदेश में 10 मई तक लू के हालात बने रहेंगे। साथ ही IMD ने बताया कि 14 मई तक उत्तर पूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुर में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा 10 और 11 मई को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश होगी। वहीं 9 से 10 मई तक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बादल गरज सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मई तक बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी गर्मी से राहत मिल सकती है। गरज के साथ बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। वहीं आज यानी 8 मई से 11 मई तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। कल कैसा रहा मौसम? बीते दिन की बात करें तो बीते दिन सुबह के वक्त हवाएं कुछ ठंडी रही, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज हुई वैसे ही गर्मी बढ़ने लगी। इस वजह से 11 बजे के बाद तो लोगों ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अधिकतम तापमान की बात करें तो वो बढ़कर 42 डिग्री पहुंच गया। इस सीजन में पहली बार तापमान 42 डिग्री पार पहुंचा है। ये सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे गर्म क्षेत्र की बात करें तो जाफरपुर का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया। आज भी छाए रहेंगे हल्के बादल। आज के दिन की बात करें तो आज हल्के बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 41 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 9 मई को थोड़े बादल छाए रहेंगे। 10 और 11 मई की बात करें तो उस दिन हल्के बादल छाए रहेंगे, साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।